हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप हाँ संगीता जी रूलानिया के साथ में और आके मतलब परिचय भी करवाऊंगा थाने और आकी पूरी जानकारी भी लियांगा कि ई फील्ड में कल से काम कर रहे हैं देव हीरो के मैनेजर। तो आप आसु जानांगा और आकी पूरी टीम है एक एक करके सबसे ही आप बातचीत करा ला और थाने वीडियो मारो शौक लग लो कमेंट बॉक्स में सुझाव देर बताओगा जरूर। तो राम राम जी संगीता जी। राम राम जी। राम राम जी। आज अठे आया और अठे को प्रोग्राम देखियो बहुत ही बढ़िया लग्यो था सु पहली बार मिलिया बहुत अच्छो लग्यो। तो जी मतलब थे इन काम कर रहे हो कताक दिना सु कर रहे हो कद सु जुड़ रहे हो तो थोड़ा सा था को मतलब पीछे को पीछे है जानकारी थोड़ी बहुत। बिल्कुल, मैं संगीता रूलानिया और 21 दिसंबर 2015 ने पहली जॉब ऑटोमोबाइल में ज्वाइन करी ही और भी से पहली एजुकेशन सेक्टर में ही कंप्यूटर में नेटवर्क इंजीनियर ही। और 2015 से लेकर अब तक को जो सफर है वो पूरा ऑटोमोबाइल में ही तय करे हूँ। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब से लेके आज तक मैंने डीएसएम की पोस्ट तक का जो सफर तय कर लिया है ये मेरे लिए काफी अच्छा रहा है। और ऑटोमोबाइल में हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से मेहनत से काम कर रहे हैं और सारे टारगेट वगैरह भी अचीव कर लेते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से ये अवसर भी हमें दिया गया था जब हमने टारगेट पूरा किया था 2020 के अंदर, तो हमें विदेश जाने का मौका भी मिला था जिसमें मैं बैंकॉक भी जाकर आई थी अपने देवी हीरो कंपनी की ओर से। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि हमारे सारे टारगेट पूरे हो और हर बार हमें ये मौका मिलता रहे। और रही सफर की बात, तो सफर तो देखो कोई भी हो वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किलों का सामना करके हम उस डगर पे चलते जाए तो आसान हो जाता है वो सफर। कहते हैं ना, हौसलों में जिसकी उड़ान, उस हौसलों में जिसकी जान होती है उसकी उड़ान ऑटोमेटिक आसान हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारा हौसला बुलंद था और काफी परेशानियां आई थी कि भाई पहले मेरा विजिट होता था धोद लक्ष्मणगढ़ और इधर, तो बहुत सारा जना जकाइया कहता इन्हें स्कूटी से तू भेज देवे है, आ धोद जावे, आ फतेहपुर जावे, आ लक्ष्मणगढ़ जावे है। लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट बहुत था कि कोई बात नहीं, काम कर रही है तो जाएगी भी और आएगी भी। अपना गांव का मायने डाण्या का मायने एक लोकल भाषा का मायने कहावत है कि फिरती फिरे है सब ऐ बोलिया करे। हां बहुत सारे हैं जाबा की कोशिश के चलते बिन बोल सी पाई करे आ तो फिरती फिरे। हां केसर जी बहुत सारी, बहुत ज्यादा, हां बहुत सारी चीज ने मान लो सहन करता हुआ आगे बढ़ जाए ना बाइक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी बातें हल्की आई ही मम्मी जी कर, मेरी सास का ना भी बहुत आती, लेकिन मेरी सास भी यही कहती कि मेरी सास बहुत सीधी है तो मैं हमेशा यही कहता ये बड़ी कहन दे कोई कहे हुए तो, हालांकि मैं तो मैंने कहता ही को नहीं कि न कहे ही मत कोई बात नहीं बे कहेगा बड़ी कहन दे भाई यही कहे बड़ी कहन दे कहे आपको काम करे ही ना बस ठीक है। तो इससे माने बहुत प्रेरणा मिलती, मैं बहुत मोटिवेट होता और हौसलों पर तो की चालू जब अपने सागे मम्मी जी है परिवार है तो फिर अपना कोई चीज को डर को परिवार साथ है तो बिन कोई पीछे गिर बड़ो और कमजोर कर बड़ो है भी को और भी आपने जो बहना देख रही है तो थाना का थारा परिवार को सपोर्ट है तो कोई से भी पीछे कौन रहे हो तो था से पहली मतलब कोई मैम और भी बैठे रहता या बाद का मायने कोई और मतलब आपने कोई बहना है जी के साथ का मायने आया। हाँ अब देखो बच्चियां तो काम कर रही है लेकिन जिस पोस्ट पर मैं काम कर रही हूँ बी पोस्ट पर फीमेल स्टाफ के अंदर मैं ही हूँ। अच्छा। और 2015 से जहाँ मैं ज्वाइन करी तब से लेकर अब तक मैं ही फीमेल स्टाफ में हूँ और फीमेल स्टाफ के अंदर ऑटोमोबाइल में सब यहाँ भी कहता कि भाई अठे तो सारा आदमी आदमी काम करे है तो संगीता मैडम एकली करे है रात ना 9-9 बजे तानी भी क्योंकि मारो फील्ड ही अलग रहेगो कि धनतेरस के ऊपर भी माना तो 1-1, 2-2 बज जावे रात ने। तो सब लोग कहता कि संगीता मैडम जावे है, साहब ने भी बहुत कहता कि रात ने 2-2, 3-3 बजे आवे, तो मैं भी यही कहता यार जब मेरे तकलीफ को नहीं तो थारे की तकलीफ है, जब आप सहयोग नहीं करोगा तो क्या आगे बढ़ेगी ये लोग। तो कदे ही अलग कोई कौन रही हो कि वो मत करो या वो मत करो, हमेशा प्रेरणा मिली है और मेरे हस्बैंड मेरे हमेशा राइट हैंड बनके मेरे साथ खड़े हुए हैं, वही रीजन है कि आज मैं यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सफलता कोई आज मतलब सामने देख है सबने। तो ये था कि टीम का मायने कौन कौन है तो बस से भी थोड़ा थोड़ा परिचय करवा दे। टीम का मायने जितना भी है मतलब बहना भी है और सर भी है तो अपा आसे भी दो बात करांगा मिलांगा। तो संगीता जी की टीम ने देख भी खुशी होती होगी अकेला मैंने शुरुआत में आया है और आज अत्तां के साथ कमाए काम करे हैं सब हंसी खुशी से एकदम से राजी खुशी तो बहुत ही बढ़िया मन लाग रहे हो तो थांदो लाग रहे हो। राम राम जी। राम राम जी। तो आज मारी मारवाड़ी भाषा थाने कसी लगी बहुत चौकी लागे। हाँ
और जी मतलब थे काम कर रहे हो तो थको मतलब बैठे रह रहा हो जो थन किया लगे बैठे मन बहुत बढ़िया लगा है काम कर रही है लगे कुछ मैं दूसरी जगह काम करा या लगे घर ही काम करा मम्मी के करा जा मैं हमारे मम्मी के समान ही है। अच्छा अच्छा बढ़िया लगे। अच्छा तो बेटा ठेका तक दिन से काम कर रहे हो उठे लगभग एक साल कंप्लीट हो जैसी मैम के साथ काम करता। अच्छा। नाम मेरो कंचन है, गांव मेरो श्यामपुर है बाजोल। अच्छा। और बहुत बढ़िया लगे मैडम के साथ काम कर रही है। कभी झाड़ भी गई तो हमारे बढ़िया के लिए करी। अच्छा, अच्छा। बताइए एकदम प्यार से समझाई कि आज चीज कर लिए सही है आकर बिल्कुल बहुत बढ़िया लगे मैडम के साथ। बाकी आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया व्यवहार। अच्छा अच्छा हर चीज ने समझाई। राम राम जी। राम राम मैडम। तो जी मैं आज थासु मिलिया हाँ थे मासे मिलिया हो और अठे जी हमारी भाषा बोल रही है हमें मारवाड़ी का मान है और थासु एक दो सवाल जवाब करा हाँ थाने क्या को लाग रही है आज? बढ़िया लाग रहा है मैडम, आया बहुत खुशी है मैडम। और जो मैडम को व्यवहार काफी बढ़िया व्यवहार है मान दो तीन साल हो गए काम। कौन सी जगह से हो? मैं सीकर से हूं मैडम। तो कितना साल से काम कर रहे हो मैम? दो तीन साल हो गए मैडम के साथ काम करते हो। बढ़िया है मैडम को व्यवहार और पहली बात मैडम से मोटिवेट काफी मिलता मान बिल्कुल और आराम से काम करा कोई दिक्कत को नहीं और खुशी खुशी से काम करा या लगा कोई घर में काम करे परिवार के तरह रहे बिल्कुल। कई बार कहीं वह अपन कोई गलती कर जाओ तो भी कमाए कोई नजर अंदाज कर लिया साथ में रहो नहीं तो यही हो गए और कई बार कहीं वह थोड़ी सी गलती करा भी कमाए अपन को बताओ तो भी सोन सीख मिल रहे का चलो अब गलती करो आप ये बात में वजू नहीं करांगा तो भी कमाए नहीं है अगर गलत में बोलर बताओ तो थन बा बढ़िया लगे भी चीज़ ना बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। हाँ। मैं सालासर के पास नोरंगसर गांव है मेरा, वहाँ से हूँ और मैडम के साथ जुड़े मेरे को दो साल हो गया। अच्छा। वैसे एवी बैंक में जॉब करता हूँ लेकिन मैडम के पास ही रहता हूँ। तोड़े मैडम तक क्या पहुँच गए थे बड़ों चला चलिया? मैडम के मैं एवी बैंक में अप्लाई की थी तो वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई और वहाँ से मैडम के पास मेरे को ड्यूटी मिली है। अच्छा अच्छा। इनके पास रहना है और उधर से काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, कभी कभी डांट का सामना करना पड़ता है लेकिन हमारे अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आज आया थे देव हीरो का संगीता जी से मिला बहुत बढ़िया लगे और देखो ए भी आपके साथ कमाई नहीं काम कर। राम जी। राम राम जी। तो जी अठे मैम के साथ में कतक दिन से काम कर रहे हो लाग रहे है काम करवाओ हो कतिक दूर से थे मतलब कतिक दूर का फील्ड का मायने रहो हो बताओ? मैंने दो साल होगा काम करता मैडम के साथ। मैं पहला होंडा शोरूम में काम करता था, अब देव हीरो से दो साल होगा जुड़े। ये मैडम का व्यवहार अच्छा है और मैडम जैसे जैसे बोलती है वो काम करते हैं। मतलब होंडा में रहता अब ठहरे अब दुनिया का मान क्या लाग रहे हो? मैं अच्छा लाग पहला होंडा में रहता था काम में भी मजा को नहीं आता। अच्छा। और सब बढ़िया लाग रहा था? सब बढ़िया लाग रहा है मैडम के साथ काम। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज आप संगीता जी से मिला और मिला बड़ा हाँ संतोष जी फोगावट जिसका कैमरा का पीछे है बठिन लंडे थन दिख रहा को नहीं और बैठे तक माने ले रहा तो आज संगीता जी से मिला मन बहुत अच्छा लगे। संगीता जी कई दिनों से नाव सुन रही और आज संगीता जी से मिला तो रियल का मान बहुत ही अच्छो लगे। संगीता जी का मैं कतो बताऊँ की कतिक तारीफ करूँ भगवान का बराबर सा ही मिल गया मन तो आस्ते और संतोष जी और संतोष जी एक मेरा गुरु ही तो मन एक है कत चाल अपा बठे चाल सिया एक कुआ है पुरानो सो भी कमान पढ़नु है तो मैं देख कर जरूर आऊँ अगर पढ़ूँ तो को नहीं क्यों मेरे पढ़े हो जाए लेकिन मैं तो आऊँगा खेड़ो को मैंने सुबह बोल दिया ना मैं क्यों चाल से पढ़ दूँ तो थान आज की वीडियो कमान ए आपका विचार है कहीं मैं मेरा थोड़ा बहुत मतलब पूछ पा की कोशिश करी थाने किया उनको लाग रही है कितना दिन से काम करो शौक लागे थान कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए। बढ़िया लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर और आज से जुड़ लीजिए संगीता जी से देव हीरो कमान मैनेजर है। राम राम सा। संतोष जी और केसर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ए मन ओ मौको दियो कि मैं जो मारी भावना ही मारा जो विचार हा वे थारे तक पहुंचाया आंका माध्यम से इके लिए आना गणो गणो मोकलो मोकलो धन्यवाद और हमेशा आसे जुड़ेड़ा रहो और ई चैनल ने आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।